आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू यूट्यूब ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल नहीं परसों है शिवरात्रि, तो मैंने सोचा जैसे मैं हर बार हर पूजा प्रोग्राम का वीडियो शेयर करती हूँ कि मतलब क्या कैसे करना उचित है, तो आइए हम बताते हैं शिवरात्रि में क्या करना अनिवार्य है, कैसे किया जाता है यह व्रत। तो शिवरात्रि पूजन व्रत विधि मैं बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारे भाई बहनों को अवश्य पसंद आएगी। अपना प्यार, विश्वास और सपोर्ट आप लोग ऐसे ही बनाए रखिएगा जो है। तो शिवरात्रि है और शिवरात्रि का जो है ये नियम है कि इस दिन सभी को पूजा करना चाहिए। ऐसे तो मतलब देखिए घर में सब लोग नहीं करते हैं, लेडीज़ लोग ज़्यादातर पूजा करती हैं। आज थोड़ा बैकग्राउंड चेंज है हमारा, बाहर का क्या बोलते हैं, जहाँ मैं बैठती हूँ ना वहाँ का पर्दा धो के डाला हुआ है, तो वहाँ पर नहीं बैठ पा रही हूँ, यही सब है। तो आइए जानते हैं कि शिवरात्रि कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, क्या करना उचित है, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब बातें मैं विस्तार से अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ भाई, जिनके पास टाइम नहीं है तो नहीं भी बने रह सकते हैं, इसके लिए कोई दबाव नहीं, क्योंकि समय सबके लिए कीमती है और जो अपना काम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए समय को पाबंदी होना ज़रूरी है। और अपने काम के साथ साथ दूसरों की भी केयर करना, कहते हैं ना कि अगर आप अपने लिए थोड़ा कुछ टाइम अपना वो करते हैं तभी दूसरों को आप अपना टाइम दे पाते हैं। अगर आप अपने लिए ही हर समय सोचते रहेंगे तो फिर दूसरों को टाइम देना या दूसरों के लिए अपना धन दौलत या अपना समय खर्च करना ये आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए जो है दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है बस अपने लिए ही सोचना चाहिए। सब कुछ अपने लिए नहीं किया जाता है, दूसरों के लिए भी किया जाता है। और ये भी सत्य है कि अगर आप एक गुना करते हो तो दो गुना आपको भगवान ज़रूर देते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर आपस में सभी की मदद करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो हो जाएगा प्रवचन बोल रही हैं मैडम जी, तो ऐसा नहीं है। तो शिवरात्रि के दिन ऐसा है, देखिए व्रत कोई भी हो एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए, यही नियम है। आप कल अगर आपको व्रत करना है तो शाम के टाइम में चावल और लहसुन प्याज वाली सब्जी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कोई कोई लोग परहेज करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग करते हैं। तो उसके बाद जैसे शिवरात्रि के दिन देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे घर की औरतें हों, व्रत रखना ये ज़रूरी नहीं है। आपका मन स्वस्थ, साफ, सुरक्षित, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए व्रत रखने के लिए भी। तो अगर आप व्रत नहीं रखते हो तो भी और रखते हो तो भी, तो खास जो बातें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इस दिन आपको व्रत रखना है, निराजल व्रत नहीं रखा जाता है, इसमें कोई निराजल व्रत नहीं रखते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जब दिन भर कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, खा के भांग धतूरा भोले बाबा नाच रहे हैं, तो वही है। तो जो है कि सब मतलब पूजा के बाद जो है खाना खा लेना चाहिए, यानी खाना नहीं, जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें खाना खाना चाहिए और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें फलाहार करना चाहिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, नमक आप नहीं खा सकते हो। सुबह में जो है आपको स्नान ध्यान करके जो है थाली सजा लेना चाहिए पूरा परिवार के लिए, सबके लिए। देखिए हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरुस का फूल लगता है, दिखाऊंगी मैं पूजा के दिन लाके, और भटोर का फूल और जो भी फूल होते हैं ये सब फूल, और गेहूं की बाल आती है और गन्ने का काट कट के छोटा छोटा टुकड़ा आता है, लाल वाली गंजी भी चढ़ती है, गुड़ भी चढ़ाया जाता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है काला तिल और भांग, मतलब प्रभु को तो भांग बहुत प्रिय है, और धतूरा जो आता है ना, यहाँ पर फल लगता है हमारे यहाँ, लेके आएंगे तो दिखाएंगे आपको, धतूरा और ये मदार का फूल जितना भी उनका होता है, और बेलपत्र, बेलपत्र में ऐसा है कि सात होना चाहिए, तो सात्री के कई से एक बेलपत्र में तीन होना चाहिए। हाँ ये है कि आप एक ही बेलपत्र चढ़ाइए लेकिन वो कटा हुआ ना हो, अगर कटा हुआ है सात या चौदह भी आप चढ़ा दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको सुबह स्नान करके अच्छे ढंग से सुरक्षित कपड़े पहन के, नहीं है कि नया ही पहने, जो घर में आपके हैं वही पहन के पूजा पाठ अच्छे से ढंग से कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको फलाहार करना है या आप फलाहार करते हो। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि इस दिन जितने भी बच्चे हों चाहे बूढ़े हों सबको भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, सबको जल छोड़ना चाहिए, जैसा कि हम लोग तो भाई ऐसे ही करते हैं। और बेटी हो चाहे बेटा हो कम से कम 12 या 15 साल के बाद ही व्रत रखवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बचपन में व्रत रखने की बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप रखने देते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि कभी कभी भूल हो जाती है, बच्चों से व्रत छूट जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ पूजा पाठ चलो कर लो भैया, आज त्यौहार है, व्रत है, लेकिन व्रत रखने का एक समय होता है, कम से कम 12 साल के बाद ही व्रत रखें बच्चे तो ज़्यादा बेहतर होता है,
और बड़े तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं, माँ पूजा कर रही हैं, तो अपने पति के लिए कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए भगवान से प्रे करती है एक औरत। तो यही सही भैया, हम तो साधारण तरीके से पूजा करते हैं भोलेनाथ की, सावन के सोमवार में भी, और ये महाशिवरात्रि व्रत है, प्रदोष व्रत भी शंकर भगवान का व्रत है, वहाँ भी पूजा करी की जाती है। और जब मैं मंदिर गई थी, मेरे यहाँ जो भोलेनाथ का मंदिर है, तो हमारी बहुत सारी फैमिली, बहुत कम फैमिली थी हमारी यूट्यूब की, तो अभी भी हो सकेगा कोशिश करूँगी कि मैं फिर से वो वीडियो शेयर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और हमारी एक बहन है प्राची शुक्ला, ने रिक्वेस्ट किया हुआ है शिव भजन सुनने का, यानी भोलेनाथ का गीत सुनने का, तो कल परसों 2-3 दिन तक हम सुनाएंगे। बाकी जिन लोगों की रिक्वेस्ट है उनसे हम माफ़ी चाहते हैं कि उनका वीडियो पीछे जाएगा थोड़ा, क्योंकि अब देखिए होली है और शिवरात्रि है, तो जब फंक्शन आए हैं, प्रोग्राम मतलब आ गया है, फेस्टिवल, तो मनाना ज़रूरी है, उन पर वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। इसके लिए अभी 1-2 भजन जाएगा भोलेनाथ का और सोहर जाएगा, जो भी मुझे मतलब आता है, गीत ही तो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए मैं प्यारे प्यारे गीत और भजन आपको सुनाऊंगी। और प्राची शुक्ला मेरी बहन की रिक्वेस्ट मैं कल ज़रूर पूरी करूंगी, इसी उम्मीद के साथ जो है मैं वीडियो बनाती हूँ कि हमारे दोस्त हमको हमेशा पसंद करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भोलेनाथ की पूजा करो अच्छे से, मन्नत मानो, भोलेनाथ भोले हैं, भोले दानी हैं, जो है आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो भांग देखिए यहाँ मतलब भांग का पौधा भी होता है हमारे यहाँ, कहीं कहीं गांजा भांग सारी चीज़ें भगवान को चढ़ती हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है, तो पैसा भी चढ़ाना चाहिए वहाँ पर, दूध है, दही है, यानी जो कुछ भी आपके घर में अवेलेबल हैं चीज़ें वो चढ़ाइए। अगर नहीं है दही दूध ये सब चीज़ें नहीं है, घी है, तो ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, लेकिन जितना है आपके घर में सिंदूर सब कुछ ले जाके आप अच्छे ढंग से उनकी पूजा करो, अच्छे ढंग से अर्चना करो, भोलेनाथ से अपनी मन्नत मानो, जो आपकी इच्छा हो जरूर पूरी होगी, मेरे हिसाब से तो यही मानना है। तो शिव चर्चा का 1-2 वीडियो हमने शेयर किया हुआ है, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया था, लेकिन वीडियो पुरानी है, जब दोस्त कम थे तो वो सब वीडियो थोड़ा पीछे हैं, फिर से मैं शिव चर्चा का कोई वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों तक। तो इसी ढंग से मैं भैया शिवरात्रि की पूजा हमारे घर में होती है, और हमारी सासू माँ, हमारी बेटी, हम व्रत रखते हैं, बाकी हमारे जो है बच्चे बेटा और पिताजी ने व्रत नहीं रखते हैं, साहब जी भी व्रत रखते हैं, बाकी पूरी फैमिली जो लोग बाहर पे हैं सभी रखते हैं व्रत। तो इसी तरीके से हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सबको अवश्य पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, भोले जी के नाम पर तो लाइक कर ही देना, थोड़ा सा वॉच भी कर लेना, कुछ आपको ज्ञान है कुछ हमारा ज्ञान ले लीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ ब्लॉग को एंड कर देते हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, बाय। मेहंदी लगा ली है आप लोग देख रहे हो ना, इस टाइम ब्लाउज नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम पतले हो गए हैं बहुत, इसके लिए ब्लाउज नहीं बना रहे हैं अपना। तो चलिए अभी हमको 1 या 2 घंटे बाद मैं भजन भी शूट कर लूँगी, मतलब वीडियो बना लूँगी, क्योंकि कल देना ज़रूरी है, भोलेनाथ का टाइम भी है और रिक्वेस्ट भी आ गई, इसके लिए हम रिक्वेस्ट आप सबकी ज़रूर पूरी करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।